फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मे सिंपल वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सेवेंटी ऑफ जनवरी 2024 17 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे उससे पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग फ्रेंड्स एज वेल साथ ही आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि हम अपनी जो करंट अफेयर्स रिविजन सीरीज़ है जिसमें पूरे साल भर का करंट अफेयर्स मई दो से लेकर के पूरा मई दो तक का रिवाइज किया जाएगा और ये सीरीज़ 20 तारीख से वीडियो शुरू हो जाएंगे हालांकि मैं आज या कल तक में एक कुछ और कंटेंट और तो इसकी रूपरेखा बना के आपको भेज दूंगा लेकिन जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में नीचे है वहाँ से आप इस रिवीजन सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं चाहे आप स्टेट सर्विस दे रहे हैं या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहाँ पर करंट अफेयर्स पूछता है वो कोई भी एग्ज़ाम आप यहाँ पर यहाँ के करंट अफेयर्स काफ़ी होंगे ठीक है ना तो जो हर साल ही हम ये सीरीज़ करते हैं इस साल भी हम ये कर रहे हैं इस साल मैंने कुछ नई चीज़ें भी सोची हैं कुछ नए मैगज जीस को भी इंक्लूड करूंगा इसमें जैसे इकोनॉमिस्ट हो गया इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली हो गया उसका कुछ कंटेंट जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है जो एडिशंस क्योंकि मैंने सारे पढ़े हुए हैं तो वहाँ से मैं इनको ऐड कर सकता हूँ फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस मैंने सोचा है कि हर लेक्चर के साथ आपको जो यू का लास्ट ईयर का पैटर्न था है ना बाकी पैटर्स में तो आपने बहुत क्वेश्चन लगाए हैं जो लास्ट ईयर का पैटर्न था उसके क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में हर लेक्चर में लगभग दस से पंद्रह बीस क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए अपन कराएंगे ताकि वो धीरे धीरे जैसे अगर पचास लेक्चर भी होते हैं तो पचास इंटू ट्वेंटी हो जाएगा है ना तो इस तरीके से आप मतलब हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो लगभग बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं पढ़ सकते हैं उसके बारे में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट पहला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जी ई के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ स्टेट्यूटरी कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायॉयरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कह रहा है क्लियरेंस ऑफ जीई एस मैंडेटरी फॉर रिलीज ऑफ जीएम आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स कितने स्टेटमेंट सही हैं है ना यही लास्ट ईयर का पैटर्न था लास्ट ईयर हाउ मेनी पूछ लिया था ना एलिमिनेशन इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा था अगर आपने दिमाग हालांकि एलिमिनेशन वर्क किया है मैं आपको बता सकता हूं कैसे लेकिन कुछ लोग जिनको प्रैक्टिस नहीं थी उनके लिए उनको लगा कि एलिमिनेशन बिल्कुल खत्म हो गया है तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन प्रैक्टिस कर लेंगे इसका आंसर क्या है बताइए आप लोग इसका आंसर है टू स्टेटमेंट्स दो ही स्टेटमेंट सही हैं, पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है है ना तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है फर्स्ट इज रॉन्ग तो फर्स्ट रॉन्ग क्यों है क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 1986 का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत बनाया गया फिर नाइनटीन में रूल्स आए थे है ना जी इसी के रिगार्डिंग तो ये हो गया दूसरी दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं विच स्पीशीज असेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आई यू सी एन रेड लिस्ट ऑन जनवरी फिफ्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इस कैटेगराइज एज वेबल एक ऐसी स्पीशीज़ है जो अभी पंद्रह जनवरी को पहली बार असेस की गई है पहली बार एसेस ये हिंदू में नहीं आया था हालाँकि ये डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया था डाउन टू अर्थ का आर्टिकल था इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जैसे ये ये सब चीज़ें बहुत छूटती जाती हैं और फिर यू पी एस सी में जो क्वेश्चन आता था हमको तो लगता है यार ये पेपर में तो आया नहीं था है ना तो अपन वो सारी चीज़ें भी कवर करने की कोशिश करेंगे बाकी फाइनली तो यू अलग जो पूछेगा वो पूछेगा लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं तो पंद्रह तारीख को एक्चुअली एक इनमें से कौन सी स्पीशीज जो पहली बार एसेस की गई है आई के द्वारा और उसको वेल्नरेबल बताया गया ऑप्शन आपके सामने हैं स्नो लेपर्ड हिमालयन वोल्फ रेड पैंडा या बंगाल टाइगर इसका करेक्ट आंसर है हिमालयन वोल्फ बी बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ना तो हिमालयन वोल्फ को कैनिस ल्यूपस चैनको भी कहा जाता है कैनिस ल्यूपस चैनको इट्स अ प्रोमिनेंट ल्यूपाइन प्रेडेटर जो कि हिमालयाज में पाया जाता है एंड अभी आयु से ने पहली बार इसका असेसमेंट किया है एंड इट इज वेलरेबल इन दैट लिस्ट ठीक है ना तो दैट इज़ अ थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत ईजी क्वेश्चन है इन विच कंट्री द लोकेशन ऑफ थर्टी मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट इज ऑप्शन सारी यू एस ए जापान चाइना इंडिया बहुत आसान है पढ़ाया हुआ सवाल है आई होप यू विल भी एबल टू आंसर दंसर इज इज

Of शाही एट तो कौन सी है? शाही नहीं के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई जाएगी और हालांकि अभी डिसीजन नहीं आया लेकिन यह चीज उन्होंने क्लियर कर दी कि इंस्पेक्शन के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई जाएगी है ना दी ऑर्डर वॉज वेग एज पर सुप्रीम कोर्ट है ना वो बी गॉड क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट यही न्यूज़ है आगे देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस कर रहे हैं बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं ये तो मैंने आपको नॉलेज पर्पज से बता दिया ठीक है आपको पता होना चाहिए था इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो है पीएम जनमन मन स्कीम वीएम पी एम जनमन काफी ज्यादा न्यूज में रहा है पंद्रह uh, नवंबर को ये स्कीम uh, रिलीज की गई थी क्यों क्योंकि पंद्रह नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस होता है आपके लिए एक छोटा सा सवाल यह कि जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ठीक है ना जनजातीय गौरव दिवस किस किस ट्राइबल लीडर के उपलक्ष्य क्वेश्चन जाता है उसको तो कम्यूमरेट करने के लिए तो दिस अ सिंपल क्वेश्चन टू यू आई होप यू विल बी एबल टू आंसर पीएम एम जनमन की बात करें तो उसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान क्या है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका जो मेन एम है दैट इज़ टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव करनी है किसकी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की एंड जो प्रधानमंत्री पीवीटीजी चाहते हैं उनका डेवलपमेंट चाहते हैं उसके लिए क्या क्या चीज़ें की जाएंगी तो उनको जैसे सबसे पहले तो बेसिक फैसिलिटीज़ बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि सेफ हाउसिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर सैनिटेशन इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रीशन टेलीकॉम कनेक्टिविटी सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना उनका सबसे पहला एम है ठीक है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आपको समझ में आ गया होगा पीएम जनमन के बारे में ठीक है आगे मूव करते हैं देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं Uh, यहाँ पे मूव करते हैं देखो आगे तो यहाँ पे यहाँ पे आ रही है तमिलनाडु गवर्नर रिवाइव सैफरन कंट्रोवर्सी ऑन थिरुवरलर डे तो आप देखो बाकी कंट्रोवर्सी पे तो हम नहीं जाएंगे ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है वो हमारा एम नहीं है यूपीएससी uh, में कोई आपसी सैफरन कॉन्ट्रवर्सी नहीं पूछेगा मेन है थिरुवल्लुअर के बारे में जानना तो एक तो सोलह जनवरी को थिरुवल्लर डे मनाया जाता है ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ही थिरुवरलुअर वॉज अ सेंट ऑफ सेंट फ्रॉम द वेरी फेमस संगम पीरियड है ना संगम पीरियड में आप जानते होंगे

पोरुल यानी गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एंड एंड काम यानी लव तो आरम वर्च्यू पोरुल गवर्नमेंट एंड सोसाइटी एंड कामम लव इन तीनों के बारे में बताया गया तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें इस पॉलिटी के बारे में बताया गया गवर्नमेंट के बारे में तो यस लव के बारे में यस वर्च्यू के बारे में यस ऑल दिस थिंग्स आर देयर है ना एंड दिस थिरुक्कुरल हैज बिन कंपेयर टू द ग्रेट बुक्स ऑफ वर्ल्ड्स मेजर रिलीजनस एंड ऑल तो काफी इंपॉर्टेंट इस बुक को माना जाता है एंड थिरुवल्लुअर के बारे में आपको याद रखना है ये चीज इसके अलावा एक और मैं करंट की ही न्यूज आपको इसमें ऐड करके बता दूँ कि अभी फ्रांस में एक सरजी नाम की जगह सर्जी, C -E -R -G वाई, सर्जी नाम की जगह है फ्रांस में जहां पे एक मतलब स्टैच्यू बनाया गया था तिरुवल्लुवर का तो अगर सरजी पूछता है आपसे कॉलम में सरजी पूछ लेता है कि कहां पर है तो याद रखेगा फ्रांस में है वहां पर तिरुवल्लुवर का स्टैच्यू बनाया गया था ठीक है आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं यहाँ पे दो न्यूज़ है एक है होम मिनिस्ट्री कैंसल्स दी एफ सी आर ए रजिस्ट्रेशन ऑफ सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च तो यहाँ यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है एफ सी आर ए चूंकि होम मिनिस्ट्री हैंडल करती है तो उसने रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है ऑफ एफ सी आर ए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का विच इज़ अ लीडिंग पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन न्यू डेली नई दिल्ली में एक लीडिंग पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एफ सी आर ए रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से क्या होता है तो एफ सी आर ई रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से जो उनको फ़ॉरन कंट्रीब्यूशन मिलती थी वो बंद हो जाएगी है ना फॉरन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए फिर ये एलिजिबल नहीं रहते हैं ठीक है ठीके? अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि जो ये आ, आपका एफ सी आर ई एक्ट है वो नाइनटीन सेवनटी सिक्स का ओरिजिनली एक्ट था नाइनटीन सेवनटी सिक्स का एक्ट है लेकिन इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं दो बार एक अमेंडमेंट किया गया है दो हज़ार दस में ये भी बता टू थाउजेंड में एक अमेंडमेंट हुआ था Uh, एक अमेंडमेंट हुआ था 2020 में 2020 में दूसरा अमेंडमेंट किया गया ठीक है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज टू अमेंडमेंट्स एज वेल 2020 में मेन जो अमेंडमेंट हुआ था ये हुआ था कि जो मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशनस का आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस जो करते थे पहले वो पचास तक कर सकते थे एनजी जितना आपको मिल रहा है मतलब दस करोड़ मिल रहा है तो पाँच करोड़ आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस में लगा सकते थे लेकिन अब वो घटा करके बीस हो गया क्यों क्योंकि क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिज़ बहुत कम केयर करते थे एनजी लेकिन बहुत ज्यादा दिखा देते हैं ना तो आप वो चीज आप नहीं कर सकते अब अब केवल वो बीस परसेंट ही आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च कर सकते मतलब अगर दस करोड़ मिले तो केवल दो करोड़ ही आप खर्च कर पाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस में ठीक है और एफ सी आर ए रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो एसेंशियल है फॉर रिसीविंग द फॉरेन डोनेशंस एंड एक और चीज़ याद रखिएगा कि एफ सी आर ए रजिस्ट्रेशन कौन कौन नहीं ले सकते हैं तो जो फिसस एंटिटीज़ है वो नहीं ले सकती हैं अगर कोई रिलीजियस कन्वर्जन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो वो नहीं ले सकता है एंड अगर कोई आ, आ, कोई प्रोसिक्यूशन की हिस्ट्री है या कम्यूनल टेंशन की हिस्ट्री है तो वो नहीं ले सकता है सडिशन की एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्व है वो नहीं ले सकते कैंडिडेट्स जर्नलिस्ट मीडिया कंपनीज जजेस गवर्नमेंट सर्वेंट्स पोलिटिशियंस एंड पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देयर कैंडिडेट्स दे कैन ऑल ऑल्सो रिसीव द फॉरन फंड वो भी रिसीव नहीं कर सकते हैं है ना तो ये भी प्रोहिविटेड है इसके अलावा जो एफ सी रजिस्ट्रेशन है वो पाँच साल के लिए वैलिड रहता है और आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ता है विद इन सिक्स मंथ ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी एंड गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी की वो कैंसिल भी कर सकता है आपका आपका एफ रजिस्ट्रेशन अगर एक बार मान लो कैंसिल हो गया तो आप फिर तीन साल तक के लिए रिअप्लाई नहीं कर सकते तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आगे मूव करते हैं देखते हैं क्या न्यूज आर्टिकल है तो आईसीएमआर ने स्टार्ट किया है रिवाइजिंग द करंट नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ठीक है ना तो नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट एक नई चीज आपको मैं बताना चाहता था इस न्यूज आर्टिकल में तो एन ईडीएल एनईडीएल बोलते हैं इसको नेशनल नेशनल एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स लिस्ट एंड दे आर द मोस्ट बेसिक टेस्ट मोस्ट एसेंशियल एंड मोस्ट बेसिक टेस्ट दैट शुड बी अवेलेबल एट वी वेरियस लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन द कंट्री ये वो लिस्ट ये वो टेस्ट होते हैं डायग्नोस्टिक्स के जो मोस्ट बेसिक होते हैं बट साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं एंड दे आर इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट बेसिक एंड दे शुड बी अवेलेबल एट वेरियस लेवल्स ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन द कंट्री जैसे कि विलेज लेवल सब हेल्थ सेंटर्स हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हर जगह ये अवेलेबल होने चाहिए एक्चुअली हुआ क्या था मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था रिकमेंड किया था कि भैया कंट्रीज डेवलप करें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनडीएल ठीक है ना आ, उसके चलते 2019 में पहली बार 2019 में पहली बार आईसीएमआर ने रिलीज की थी एनडीएल लिस्ट पहली बार एनसीआईसीएमआर ने पहली बार एनडीएल का रिलीज किया था 2019 में रिलीज किया था क्योंकि 2018 में डब्ल्यूएचओ ने बोला था सो दैट इज अ थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट ठीक है अब इसको डिफाइन कैसे करता है आई सी डिफाइन करता है एज दोज दैट सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन मतलब ये वो टेस्ट होते हैं जो प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स पॉपुलेशन की सेट फुलफिल करते हैं एंड दे शुड बी प्रेजेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडिया एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है ना एंड इनको ऑब्वियसली बात है एक्यूरेट होना चाहिए एफिकेसी इनकी ज़्यादा होनी चाहिए प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए तभी पूरी पॉपुलेशन को कैटर करना है प्रायोरिटी है

साइंस कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल से है कि साइंस रिलेटेड कम्युनिकेशन विद द पब्लिक साइंस रिलेटेड कम्युनिकेशन विद द पब्लिक फॉर एग्जांपल जैसे वैक्सीन आया तो वैक्सीन की इंफॉमेसन पब्लिक तक कैसे पहुंचेगी किस मीडियम से पहुंचेगी है ना एक वो चीज़ होगी मान लो कोई पैंडमिक आया तो पैंडमिक रिलेटेड जो गाइडलाइंस देनी है गवर्नमेंट को कैसे देनी है भाई किसी ना किसी मीडियम से देंगे ना आप प्रिंट मीडियम से देंगे आप आप डिजिटल मीडियम से देंगे आप कैसे भी देंगे लेकिन यू हैव टू गिव द इफॉर्मेशन तो दिस इज द कम्युनिकेशन ऑथर ने कहा दिक्कत क्या होती है कि बहुत चूंकि

करते हो इसके लिए हालांकि थोड़ा हिस्ट्री भी बताई गई है मैं आपको बता देता हूं Uh, 1950 फिफ्टी में गवर्नमेंट ने इस्टैब्लिश किया था पब्लिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट पब्लिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरेट 1951 में स्टैब्लिश किया गया था और ये स्टैब्लिश किया गया था अंडर सी एस आई आर यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत अब ये पी आई डी जो है वही पब्लिश करता है नेशनल साइंस मैगजीन्स लाइक विज्ञान प्रगति हिंदी में साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में एंड साइंस की दुनिया उर्दू में ठीक है ना तो ये पी आई डी याद रखेगा पब्लिकेशन एंड इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट अब गवर्नमेंट फॉलोड अप विद अटेम्प्ट टू तो डिफाइन

एंड um, इसके अलावा जो 1980 से 85 के बाद जो फिफ्थ ईयर प्लान था उसके बाद जो है वो आपका कंप्यूटर्स और ये सब चीज़ें भी आने लगी साइंस को और, और ज़्यादा प्रमोट किया गया इसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया गया इसके अलावा 1989 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने विज्ञान प्रसार को बनाया एस एटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन टू पॉपुलराइज द साइंस एट लार्ज है ना तो विज्ञान प्रसार कब बनाया गया नाइनटीन में बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया ठीक है आई होप यू गॉट रिगार्डिंग दैट हालांकि 2021 में फिर गवर्नमेंट सेटअप सी की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रिसर्च में से पॉलिसी रिसर्च याद रखेगा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च दो हजार इक्कीस में बायर्जिंग टू प्रीवियसूशन दो इंस्टीट्यूशन को प्रीवियसली मर्ज किया गया था ठीक है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट और विज्ञान प्रसार को दो हजार में क्लोज

मूव करते हैं हिस्टोरिक हियरिंग यहाँ पे आईसीजे की हियरिंग के बारे में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने केस किया है इसराइल के ऊपर कि वो जीनोसाइड कर रहे हैं और उन्होंने 1948 का जो जीनोसाइड कन्वेंशन है उसको Uh, मतलब फॉलो uh, नहीं किया उसके अपोजिशन में गए तो ये ऐसा इसराइल के ऊपर लगाया गया इसराइल ने हालांकि ये कहा कि वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी का रिस्पॉन्स दे रहे हैं ठीक है ना दे आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू अ टेररिस्ट एक्टिविटी दैट हैपन ऑन अक्टूबर सेवन दिस इज अ थिंग तो जीनोसाइड कन्वेंशन एक हो गया नाइनटीन फोर्टी एट ये एक ट्रीटी है विच इज़ टू प्रिवेंट द होलोकॉस्ट जैसे हुआ था उस तरीके की चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए हुआ है देन अफ्रीका uh, ने यह भी कहा कि इसराइल इज प्रैक्टिसिंग अ पारथाइड यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था अफ्रीका में उसको अपारथाइड बोलते हैं ना जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया था अफ्रीका में अपारथाइड तो वही टर्म उन्होंने यूज़ किया कि इसराइल इज डूइंग दैट फ्राम विद द फेलेस्टीनियंस फॉर द लास्ट सेवेंटी फाइव ईयर्स फ्राम नाइनटीन फोर्टी एट है ना तो दीज आर द थिंग्स दैट हैव एंड ऑबियसि बात है इसराइल नहीं मानेगा इस चीज़ को एंड uh, इसके अलावा क्या आईसीजे की सारी रूलिंग हर कंट्री मानती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है रशिया ने ऑलरेडी एक रूलिंग uh, इग्नोर कर दी है आईसीजे की इन ऑर्डर टू सस्पेंड द ऑपरेशंस इन यूक्रेन यूक्रेन में उनको दी गया था कि भाई आप बंद करिए लेकिन उन्होंने सस्पेंड अभी तक नहीं किया है तो दीज थिंग्स आर हैपनिंग आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं अंडरस्टैंडिंग द टेंथ शेड्यूल अब ये क्यों हम समझना चाहते हैं फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू नाइनटीन एट्टी फाइव में एंटी डिफेक्शन लाया गया था ताकि जो कई बार पार्टीज चेंज करने वाले हैं कि जीतने के बाद पार्टी चेंज कर दी इस तरीके की एक्टिविटीज बंद हो जाए ठीक है ना तो जो लोग वॉल्टरली अपनी मेंबरशिप दे देते थे, थे या अपनी पोलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट वोट जाकर कर देते थे उनके अगेंस्ट ये था अच्छा इंडिपेंडेंट मेंबर जो होता है उसके लिए क्या रूल है एंटी डिफेक्शन में ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए तो बन ही जाएगा आप लोगों से इंडिपेंडेंट अगर कोई मतलब कोई निर्दलीय खड़ा हुआ है और उसने अगर चुनाव जीता है तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन का क्या लॉ लॉ है ठीक है ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि भाई टेंथ शेड्यूल में दो चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट है एक तो था एक दो एक्सेप्शंस थे एक था वन थर्ड मेंबर्स लेजिस्लेश पार्टी के अगर अलग हो जाते हैं ये पैरा थ्री में था कि वन थर्ड मेंबर्स अगर किसी पार्टी के स्प्लिट हो जाते हैं तो उनका डिसक्वालिफिकेशन नहीं होगा और दूसरा ये था कि अगर टू थर्ड को साठ लोग हैं ठीक है ना साठ लोग, लोग हैं अगर अलग हो जाए तो पार्टी के साथ उसी को ओरिजिनल पार्टी माना जाएगा अगर वन थर्ड हो रहे हैं तो स्प्लिट माना जाएगा अगर टू थर्ड हो रहे हैं तो वो माना जाएगा कि यही ओरिजिनल पार्टी है टू थर्ड अगर चले जाएंगे तो वो वही ओरिजिनल पार्टी माना जाएगा ठीक है ना तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट लेकिन हुआ क्या था कि दो 2003 में जब नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया तो ये जो स्प्लिट वाला प्रोविजन है इसको हटा दिया गया था तो एंटी डिवेक्शन लॉ का पैरा थ्री जो था कि वन थर्ड अगर स्प्लिट करते हैं तो वो हटा दिया गया था तो अब केवल मर्जर का केस है मर्जर का केस है और केवल केवल वो टू थर्ड मेंबर्स जब अलग होते तो उनको ओरिजिनल माना जाता है ठीक है एंड अब क्या होता है कि यहाँ पे क्या है जो महाराष्ट्र में हमने देखा महाराष्ट्र में भी वही हुआ महाराष्ट्र में लगभग 40 जो 37 जो एम हैं आउट ऑफ 55 आप लोग परसेंटेज निकाल के देख लेना तो एकनाथ शिंदे के साथ 37 आउट ऑफ 55 फ़ाइव एम जो हैं वो अपने आप को रियल शिवसेना बोल करके अलग हो गए तो अभी जो वहाँ के स्पीकर हैं उन्होंने उनके अगेंस्ट हालाँकि वो नाम स्प्लिट का दिया उन्होंने लेकिन अभी उन्होंने

इसमें थ्री टेस्ट फार्मूला है फॉर डिटरमाइनिंग विच फैक्शन इज द ओरिजिनल पार्टी तो यहाँ पे उन्होंने तीन टेस्ट दिए हैं uh, यहाँ पे है पहला है आपका एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ द पार्टी मतलब आपका एक एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टी होना चाहिए क्या है कैसे है क्लियर होना चाहिए सेकेंड इट्स अफेयर्स एज पर द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द इनर पार्टी डेमोक्रेसी तो उस पार जो पार्टी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उस पार्टी के जो वर्किंग है क्या इनर पार्टी डेमोक्रेसी उसके जैसी है कि नहीं एंड मेजोरिटी इन द लेजिस्लेटि ऑर्गेनाइजेशन विंग्स तो दीज आर द थ्री टेस्ट जो कि आपको चेक करने चाहिए थे है ना जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं कि क्या कोई पार्टी रियल पार्टी है या नहीं है तब देखते हैं आगे क्या आता है बट दिस इज द थिंग विच इज देयर व्हाट आर लाइट एमिटिंग डायोड्स एंड वाई आर दे प्राइज एज लाइट सोर्सेज तो यहाँ पे दो हज़ार जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के लिए 2014 में रॉयल स्वीडिस एकेडमी ऑफ साइंस ने एक स्टेटमेंट दिया था 2014 में उन्होंने कहा था कि जो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी होगी वो एलईडी ई की सेंचुरी होगी एंड 2014 में एक्चुअली नोबेल प्राइज दिया गया था फिजिक्स उस साल फॉर द लाइट एमिटिंग डायोड्स दो का ठीक है ना आ, डायोड क्या होता है डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है है ना बहुत छोटा कंपोनेंट होता है डायोड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है इसमें दो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट या टर्मिनल होते हैं जिसमें एक एनोड कहलाता है दूसरा कैथोड कहलाता है ठीक है ना डायोड का मेन काम यह है कि केवल वन डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउ करता है डायोड केवल एक डायरेक्शन में सिंगल डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउ करता है ठीक है ना कैसे अलाउ करता है देखो ये पी एन जंक्शन होता है पी एन जंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूं एक पी टाइप मटेरियल होता है एक एन टाइप मटेरियल होता है पी टाइप मटेरियल में जो चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स हैं जो कि पॉजिटिव माने जाते हैं क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए उनको पॉजिटिव माना गया है नहीं कि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं चूंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए उनको माना जाता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है भाई नेगेटिव नहीं है इसका मतलब वो पॉजिटिव है ठीक है ना तो पी टाइप मटेरियल हो गया दूसरा होता है एन टाइप मटेरियल जिसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ठीक है ना एंड इलेक्ट्रॉन्स uh, uh, हो गया तो नेगेटिव चार्ज हो गया तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको आपका अब पीएन जंक्शन एक इंटरफेस है जहाँ पे पीएन टाइप मटेरियल जुड़ता है एंड इसी जंक्शन में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पास करता है कहां से कहां पास करेगा एन टाइप से पी टाइप में जाएगा ना भाई जब पी में है ही नहीं इलेक्ट्रॉन तो पी से एन तो जाएगा नहीं एन से पी में जाएगा और याद रखे करंट जो होता है वो इसके फ्लो ऑफ चार्ज के अपोजिट होता है ठीक है ना तो अगर वो इलेक्ट्रॉन जा रहा है एन से पी से तो करंट किधर से जाएगा पी से एन की तरफ जाएगा ठीक है ना तो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल अब एलईडी uh, ई क्या होता है मैं आपको वो बता देता हूँ अब एल एक लाइट एमिटिंग डायोड होता है मतलब एक ऐसा डायोड जो लाइट को एमिट करे ठीक है ना अब uh, क्या होता है कि डायोड के अंदर पी जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी है होल से ठीक है ना तो जब इलेक्ट्रॉन uh, एक ऑक्यूपाई uh, करता है होल को तो इट रिलीजेज एनर्जी इन टू इट्स सराउंडिंग तो ये एनर्जी रिलीज करता है एंड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एनर्जी इज इन द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो मान लो ऑफिस बात बातें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने गाक्सु वीमर देखा है गाक्सु वीमर गामा रेज एक्स रे यू वी रेज आ, है ना और विजिबल इन्फ्रा रेड माइक्रोवेम रेडियो है ना तो ये जो गाक्सु वीमर हम देखते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स् देखते हैं तो मान लो एनर्जी विजिबल रेंज में आ गई है ना तो अगर विजिबल रेंज में रहेगी तो हमको दिखने लगेगी ना तो हमको दिखेगा कि लाइट एमिट कर रहा है डाइव हालांकि वो एनर्जी रिलीज़ कर रहा है बट एनर्जी अगर वो विजिबल रेंज में करता है तो फिर वो हमको क्या दिखेगा लाइट एमिट कर रहा है तो इस पूरे को इलेक्ट्रोलिमेशन कहा जाता है कहा जाता है एंड द एनर्जी ऑफ अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी ये भी आपको पता होगा है ना आ, क्यों क्योंकि आपने सुना एनर्जी का फॉर्मूला सुना होगा एच सी बायडा बोलते हैं है और वन बाईडा होता है फ्रीक्वेंसी तो एच सी वी जो होता है वो आपका एनर्जी होता है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो गया है ना फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना एनर्जी तो याद रखेगा रिगार्डिंग दैट इसके अलावा एक बैंड गैप भी बताया हालांकि बहुत ज्यादा टेक्निकल है पता नहीं क्यों इतना ज्यादा लिखते हैं लोग तो बैंड गैप एक्चुअली क्या होता है जो साइंस के लोगों को पता होगा कि क्या होता है इसमें एक, एक एक valence, एक वैलेंस वैलेंस बैंड होता है एक कंडक्शन बैंड होता है कंडक्शन बैंड में कंडक्शन शुरू कर देता है इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन

एक इंडिया का जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसमें तीन मेजर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जुड़े हैं एक है नैलको नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड दूसरा है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एंड तीसरा है मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड और दो में यह बनाया गया था फॉर सोर्सिंग स्ट्रेटेजिक मिनरल्स स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को सोर्स करने के लिए काबिल बनाया गया था दो में जैसे कि कोबाल्ट हो गया निकल हो गया लिथियम हो गया है ना तो ये सब चीज़ों को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है इक्विटी इसमें देखें तो नालको के चालीस परसेंट में है आ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का तीस परसेंट है एमईसीएल का तीस परसेंट है, ठीक है ना तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेगा आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल अर्जेंटीना uh, से पांच लिथियम ब्लॉक्स इन्होंने लिए हैं तो अर्जेंटीना के मैं एक बार बॉर्डरिंग कंट्रीज बता दूं वेस्ट uh, में चिली को बॉर्डर करता है बोलीविया एंड पराग्वे को नॉर्थ में करता है ब्राज़ील एंड उरुग्वे को नॉर्थ ईस्ट में करता है तो ये बॉर्डरिंग पांच कंट्रीज़ के नाम भी याद रखेगा लिथियम को याद रखेगा वाइट गोल्ड भी कहा जाता है लिथियम इज ऑफन कॉल्ड एज वाइट गोल्ड इट इज़ की टू द ग्रीन ट्रांजिशन एंड इज़ यूज इन एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन बैटरीज फॉर मोबाइल फोन्स एक्सेट्रा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी यूज होता है ऑब्वियस की बात है सो दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी दैट इज़ एट for the day keep loving us keep sharing us thank you have a nice day